तक सिर्फ सरकार ही लोगों को मुफ्त टीकाकरण प्रदान कर रही थी, लेकिन अब दिल्ली के द्वारका स्थित आकाश अस्पताल ने सामने आकर द्वारका में गरीबों को मुफ्त टीकाकरण प्रदान करने का फैसला किया, क्योंकि गरीब आदमी कैसे प्राइवेट अस्पताल में जाकर वैक्सीन की एक डोज लगवा पाएगा। प्राइवेट अस्पताल वैक्सीन की एक डोज के लिए 650 से 1800 रुपए तक ले रहा है और एक गरीब इतने पैसे खर्च करने की क्षमता नहीं रखता है। आकाश अस्पताल के प्रमुख डॉक्टर मीनल चौधरी ने बताया कि जब दिल्ली में वैक्सीन की किल्लत हुई थी तब आकाश अस्पताल ने अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए गरीबों के मुफ्त टीकाकरण का फैसला किया। अब तक आकाश अस्पताल 1500 से ज्यादा गरीबों का मुफ्त टीकाकरण कर चुका है और हमारा लक्ष्य इस महीने के अंत तक 4000 से ज्यादा गरीबों का मुफ्त टीकाकरण करने का है। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। ज्यादा अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें ऑथम न्यूज़। धन्यवाद।